हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इस डिजाइन से आप टेबल मैट भी बना सकते हैं, पूजा का आसन भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही इजी है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैं 8 नंबर सलाई ले रही हूँ और बूल को मैंने डबल कर रखा है। आप चाहे तो इसको साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक नॉट बनाएंगे। तो देखिए ऐसे, इस तरह से आप स्लिप नॉट भी बना सकते हैं। ऐसे बनाया, एक और हम लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। आप इस तरीके से भी स्लिप ये बना सकते हैं नॉट, या फिर ऐसे देखिए, अगर आप स्लिप नॉट बनाएंगे तो देखिए इस तरह से यहां से करेंगे, ये किया, और इसमें से ऐसे फंदा बना लेंगे एक। ये देखिए, आप ऐसे खींच देंगे तो जो आपको इजी लगे वो आप बना लें। तो देखिए यहां से मैं सिर्फ इसको एक फंदे से बनाऊंगी, ऐसे घुमाऊंगी। देखिए इस तरह से बूल को घुमाया, इस फंदे को ऐसे बना लिया, एक फंदा पड़ गया यहाँ पे, पलट लिया। अब वापस देखिए ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, तो अब मेरे पास 3 फंदे हो गए। ऐसे फिर से पलट लेंगे, यहां से घुमाया, इसको बुन लिया, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इसको बुनेंगे, 3 4 5 पलट लिया, ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए तो ये बढ़ गया, 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर से पलट लेंगे इसको, और यहां से हम इसको घुमाएंगे इस तरह से बूल को, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ रहा है हर रो में। ये देखिए, इस तरह से इन्हीं सलाइयों को रिपीट करते हुए आपको बुनना है, एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते हुए इसको बनाएंगे। ये देखिए ऐसे घुमा लिया, इसको बुन लिया, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए इसे घुमाएंगे, 10, इस तरह से एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए यहां से ऐसे घुमाया, ऐसे बुन लिया, एक फंदा बढ़ गया। अब इन्हीं सलाइयों को दोहराना है आपको, इसी को रिपीट करते जाना है। तो आपका जितना बड़ा आपको ये चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे फंदे बढ़ा लें, अपने हिसाब से आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। जो सेंटर का ये इसका आएगा तो आप जितना चौड़ा रख सकते हैं बना सकते हैं। तो हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आगे का। ये देखिए यहाँ पे 27 फंदे तक हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। आप इसी तरीके से जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं, आप 50 फंदे का भी बना सकते हैं, 60 फंदे का, जितने फंदे आपको बढ़ाने हैं वो आप बढ़ा लीजिए इस टाइप में, फिर आपको घटाना है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 26 27 फंदे हमने इसमें कर लिए हैं। अब देखिए एक फंदा हम इधर घटाएंगे, एक फंदा इधर घटाएंगे, तो सेम जैसे ये अभी बढ़ा है इधर से और इधर से, वैसे ही ये दोनों तरफ से घटेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं छोटा बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए 2 का 1 किया मैंने, उसके बाद हम पूरी रो लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे।
ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट होता है। आप इसको एक दिन में ही बना लेंगे। ये देखिए, लास्ट तक हम बनाएंगे, लास्ट में हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया। देखिए जैसे हमने इधर फंदा घटाया, वैसे ही हम इधर दो का एक कर देंगे। ये देखिए, दो फंदों का एक कर दिया, सिर्फ एक तरफ से, उस तरफ से कोई फंदा नहीं घटेगा। जैसे हमने बढ़ाए हैं, वैसे ही हम यहाँ पे घटाएंगे। इधर से कोई फंदा नहीं हम घटा रहे हैं, सिर्फ उल्टे तरफ से ही आपको घटाना है। ये देखिए, फिर से हम लास्ट तक आ जाएंगे। ये देखिए, यहां तक बना लिया। इसको हम वापस पलट लेंगे और देखिए, अब हम इस तरफ से फिर से फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे दो का एक कर दिया, उसके बाद देखिए लास्ट में भी हम दो का एक करेंगे। अब ऐसे ही दोनों तरफ से इसको बनाना है। एक साइड इधर से हम फंदा घटाएंगे, उस साइड से कोई फंदा नहीं घटा रहे हैं। ये देखिए, लास्ट में हम ये देखिए दो का एक कर देंगे फिर से। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने ये एक एक फंदा घटाते हुए यहाँ पे दो फंदे घटा दिए। अब देखिए, हम यहां से पूरी रो उल्टा ही बनाएंगे। अब देखिए, इसी तरह से हम दोनों तरफ फंदा घटाते हुए इसको हम लास्ट तीन फंदे पे दिखाएंगे आपको। तो हम इतना करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ एक एक फंदा ये घटाते हुए, तो यहाँ पे हमारे पास तीन फंदे बचे हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे तीन का एक कर देंगे, तो ये सारे फंदे यहाँ पे बंद हो गए। ये देखिए, इस तरह से अब सिलाई को ऐसे कर देंगे और देखिए इन फंदों को हम, अब देखिए इस बूल को हम यहाँ से कट कर देंगे इतना। और देखिए यहाँ पे ऐसे ये नॉट लग गई। तो देखिए, इस तरह से ये बन के कम्प्लीट हो गया। काफी प्यारा लगता है बनने के बाद। ये देखिए, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, जल्दी बन के कम्प्लीट होता है। और देखिए, ये वाले धागे हैं, इनको हम नॉट लगा के कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।